तो गाइज मैं इन ईयरफोन्स का गिव अवे कर रहा हूँ, तो गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। हे गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो स्मार्ट वाइजर। तो गाइज आजकल ऑलमोस्ट हर बजट स्मार्टफोन के साथ हमको बॉक्स में ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते, बट ईयरफोन्स हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमको कौन सी ईयरफोन्स परचेज करने चाहिए। तो मैं आज आपके ले आया हूँ बोट के बेस हेड्स 110। ये जो ईयरफोन्स है वो आपको अमेजोन पे 400 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं इसका रिव्यू एंड देखते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है एंड कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो एंड आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें। सो गाइज ये जो ईयरफोन्स है टोटल 9 कलर्स में आते हैं एंड इस वक्त में बस ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर्स हैं। एंड बॉक्स के ऊपर अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर हमको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। केबल जो है वो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके अंदर सुपर एक्स्ट्रा बेस है, एक माइक्रोफोन है और पिकअप और एंड के लिए बटन है। एंड गाइज चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पे ईयरफोन्स मिल जाते हैं एंड सबसे ऊपर है हमारा 1 ईयर वारंटी कार्ड जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक है हमारे पास कैटलॉग, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं एंड गाइज ये रहे हमारे ईयरफोन्स जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, एकदम सोनिक की तरह डिज़ाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सोनिक कार्टून होता है उसकी तरह डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे एंगुलर टिप्स हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी आपके ईयर्स के अंदर। एंड गाइज ये जो ईयरफोन्स है कम्प्लीटली प्लास्टिक के हैं, यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलती। एंड गाइज यहाँ पे हमें जो है एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है प्लस एक बटन है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है एंड बैक साइड पे हमको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइज अगर मैं इसकी केबल की बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है एंड यहाँ पे आपको वेलक्रो देखने को मिल जाता है ताकि अपने ईयरफोन्स को आप अच्छे से टाई करके रख सकें। एंड गाइज ये जो वेलक्रो है आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। एंड गाइज इसका जो 3.5mm हेडफोन जैक है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा। ओवरऑल 400 रुपीज़ के हिसाब से इन ईयरफोन्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड अगर मैं वाइट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड गाइज वाइट जो है जल्दी गंदा हो जाएगा तो आई वुड प्रेफर कि आप ब्लैक ही लें। तो ये दोनों ईयरफोन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं एंड अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो ब्लैक जो है ज़्यादा मुझे पसंद आया पर्सनली। एंड गाइज मैंने इन ईयरफोन्स को अराउंड 4 से 5 घंटे के लिए यूज़ किया तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही कमाल की लगी। बेस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है एंड इनफैक्ट जो मिड एंड लोज है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड वोकल्स फुल वॉल्यूम पे भी काफ़ी क्लियर है। एंड वहीं पे अगर मैं पबजी के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पबजी में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जो फुटस्टेप्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे जाते हैं एंड इनफैक्ट गन शॉट्स की डायरेक्शन जो है वो भी काफ़ी ईजिली आपको पता लग जाती है। एंड वहीं पे अगर मैं इसकी कॉल क्वालिटी की बात करूं तो उसका एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही कन्वीनियंट है आपकी ईयर्स में एंड इसका जो माइक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो गाइज गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नीचे कमेंट करना है कि ये ईयरफोन्स आपको कैसे लगे। तो गाइज जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज एंड 500 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इन ईयरफोन्स का गिव अवे कर दूंगा। गाइज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज एंड 500 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इन ईयरफोन्स का गिव अवे कर दूंगा। गाइज ओवरऑल अगर मैं इन ईयरफोन्स की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे। इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी साउंड क्वालिटी एंड जो कॉल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जब आप पबजी खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो इसका माइक है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड बहुत ही क्लियरली आप अपने टीममेट से बात कर सकते हैं। एंड गाइज अगर मैं इन ईयरफोन्स को रेट करूं तो आई वुड रेट देम 4 out of 5, बट मुझे जो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा वो इसका कंफर्ट है। मुझे MI ईयरफोन्स इस प्राइस रेंज के अंदर यानी कि 400 रुपीज़ के प्राइस रेंज में थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे। उनकी साउंड क्वालिटी एंड इसकी साउंड क्वालिटी एकदम सेम है, बट वो ईयरफोन्स जो है थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर आप इन ईयरफोन्स को परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दीज आर द वेरी गुड ऑप्शन। एंड गाइज मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द रिव्यू ऑफ द बोट बेस हेड्स 110। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं आपसे अगली वाली वीडियो में मिलता हूँ, अनटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं इन ईयरफोन्स का गिव अवे करने वाला हूँ, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके गिव अवे में एंटर जरूर कर लें एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इस जो गिव अवे का रिजल्ट है वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर अनाउंस करूंगा जैसे ही वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज एंड 500 लाइक्स हो जाएंगे।